गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 में 8.1 एक्सरसाइज में हम चल रहे हैं और आज है लेक्चर 2। इसका लास्ट क्वेश्चन हम आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 60% पीपल इन ए सिटी, इफ 60% पीपल इन ए सिटी, इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, लाइक क्रिकेट, लाइक क्रिकेट, 60% पीपुल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल, 30% लाइक फुटबॉल, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम, अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट, देन What percent of the people, then what percent of the people like other girls? Other games. First question तो यहाँ से ये आ जाएगी, then what product, कि what percent like other, कि what percent of the people like other games, then and next question है इसी के अंदर। next question आपके पास, if the total number of people, if the total number of peoples, people is equal to r 50 lakh, यानी total जो people है, total जो population है वो कितनी है, 50 lakhs से, and find the exact number who like each type of game, find the exact number who like each type of game। हमारे क्वेश्चन देखो, 60% पीपल इन ए सिटी, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं क्रिकेट को, 60% लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल, एंड अदर रिमेनिंग, तो टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल 100% काउंटिंग करते हैं परसेंट की, इसके सॉल्यूशन में देखो, यानी 60% पीपल लाइक है क्रिकेट, तो क्रिकेट गेम लाइक करने वाले कितने हैं, 60%, फुटबॉल गेम लाइक करने वाले कितने हैं, 30%, एंड अदर गेम, इज इक्वल टू टोटल परसेंट, 100, तो 100 में से 60 प्लस 90, तो 100 माइनस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%, यानी 10% पीपल क्या करेंगे, अदर गेम को लाइक करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 50 लाख है।
अब आपको फाइंड करने फर्स्ट में क्रिकेट लाइक करने में नंबर ऑफ पीपल वो लाइक क्रिकेट, यानी इस गेम का फाइंड करना है हु लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट कितना परसेंट कर रहे हैं 60, तो 60% ऑफ 50 लाख, 60% ऑफ 50 लाख इक्वल टू 60% के साइन को रिमूव करने के लिए 100 इनटू 50 लाख 1 2 1 2 0 6 को 5 से इनटू कर दो 30 लाख। तो 30 लाख पीपल क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को लाइक करेंगे। नेक्स्ट है लाइक फुटबॉल, सेकंड आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल, हु लाइक फुटबॉल। तो इक्वल टू 30% ऑफ 50 लाख, कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं 30%, तो 30% ऑफ 50 लाख सो डेट 30% के साइन को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100 इनटू 50 1 2 1 2 तो 5 3 15 लाख एंड रिमेनिंग आर लाइक अदर गेम, अदर गेम नंबर ऑफ पीपल who like other game, other game। तो टोटल कितना आ जाए 10% ऑफ 50 लाख, 10% ऑफ 50 लाख, तो इक्वल टू 10% के साइन को रिमूव करने के लिए 100 इनटू 50 1 2 1 2 यानी 5 लाख। अब टोटल आप यहां से एडिंग करके देख लो 5 लाख 50 लाख 20 20 प्लस 30 टोटल 50 लाख। तो टोटल इनका सम ऑफ करेंगे कितना आ जाएगा 50 लाख, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो भी कितनी है इसकी 50 लाख है। तो इसके उसको रिपीट भी करना है और इसके आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब नेक्स्ट हम लेंगे 8.2। अब हम नेक्स्ट लेते हैं आपके, अब नेक्स्ट आपके आएगी 8.2। तो 8.2 में देखो, एक तो आएगी इंक्रीज परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीज परसेंट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या फॉर्मूले राइट कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले आप राइट कर लो। प्रॉफिट इसके अंदर देखो कुछ वर्ड है उनका आपको ध्यान रखना, सीपी कोस्ट प्राइस परचेजिंग रेट इज कॉल्ड कोस्ट प्राइस परचेजिंग रेट। एसपी सेलिंग प्राइस। अब फर्स्ट में आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आप कब होता है प्रॉफिट, जब एसपी ग्रेटर देन सीपी इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो डेट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इज कॉल्ड प्रॉफिट। सेकंड लॉस, तो लॉस इक्वल टू सीपी ग्रेटर देन एसपी सो डेट लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। थर्ड है प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज काउंटिंग ऑन सीपी एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज काउंटिंग ऑन सीपी। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट काउंटिंग ऑन सीपी, सो डेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। नेक्स्ट लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। नेक्स्ट इफ प्रॉफिट परसेंट गिवन है आपको, फर्स्ट नंबर पे सीपी गिवन में है, क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट
तब आप SP फाइंड करने के लिए, तो SP इक्वल टू CP इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100. SP इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय 100. इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. इफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपके पास है, कि आपको गिवन में CP एंड लॉस परसेंट, CP है एंड लॉस परसेंट है, तो सेकंड फॉर्मूला ऑफ CP, SP, सेकंड फॉर्मूला ऑफ SP, तो SP इक्वल टू CP इनटू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100. इस फॉर्मूले का हम यहां यूज करते हुए चलेंगे. नेक्स्ट सेकंड नंबर पे गिवन SP एंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है आपको CP, तो CP इक्वल टू SP इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट. एंड नेक्स्ट टाइम SP एंड गिवन है आपके पास लॉस परसेंट, लॉस परसेंट SP एंड लॉस परसेंट गिवन है आपको, तो फाइंड करना है आपको CP, तो CP इक्वल टू SP इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस. तो परसेंट का साइन है उसको यहां से रिमूव कर देंगे हमें बहुत में. तो ये फॉर्मूले आपको इसके अंदर लर्न करने हैं, इन फॉर्मूले के बेस पे हम चलेंगे. अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट वाला जो इंक्रीज परसेंट का है, क्या है वो इंक्रीज परसेंट, वो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.2 में, 8.2 है, 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन फॉर्मूले को लर्न करना है तभी आप इस एक्सरसाइज को कवर कर पाओगे. 8.2 में ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, ए मैन, फर्स्ट क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इंक्रीज In his salary, in his salary, if his new salary is, if his new salary is rupees 54,000. न्यू सैलरी उसकी कितनी है 54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, फाइंड हिज ओरिजिनल कि उसकी क्या फाइंड करनी है आपको, ओरिजिनल सैलरी. ए मैन गो 10% इंक्रीज हिज सैलरी, क्योंकि उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है 10%, सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है 10%, एंड न्यू सैलरी बिकम न्यू सैलरी 54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. तो लेट ओरिजिनल सैलरी इज एक्स, लेट ओरिजिनल सैलरी यहां क्या लेंगे सॉल्यूशन में, लेट ओरिजिनल सैलरी सैलरी इक्वल टू रुपीज एक्स, क्या ले लेते हैं उसकी रुपीज एक्स, एंड इंक्रीज, इंक्रीज इक्वल टू 10%. और देखो जिनकी जो ओरिजिनल सैलरी वो कितनी है 100% है, और जब जब सैलरी इंक्रीज होती है, सैलरी इंक्रीज होगी तो हम प्लस के साइन का यूज करेंगे, और डिक्रीज होगी तो माइनस के साइन का यूज करेंगे. ये दो बातें आपको लर्न करते हुए चलनी है. सैलरी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे प्लस 10 या प्लस का यूज करेंगे, और डिक्रीज होगी तो माइनस के साइन का यूज करेंगे. तो न्यू सैलरी, न्यू सैलरी इक्वल टू 54,000, न्यू सैलरी है 54,000. तो यहां लेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्यूसम इज इक्वल टू
यानी कि 10% इंक्रीज हो रहा है, तो जो प्रीवियस है सैलरी वो कितनी है 100%, तो 100 में 10 को ऐड कर दो, तो 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू न्यू सैलरी 54,000, यानी कि जो प्रीवियस सैलरी है उसका कितना है 110% ऑफ न्यू सैलरी, तो 110 रिमूव परसेंट साइन, सो डेट डिवाइड 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू एक्स इक्वल टू 54,000 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्या करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू 54,000 इनटू 100 एंड डिवाइड बाय 100 इनटू 100 डिवाइड बाय 110, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से इसको कट कर देते हैं 54,000। सॉरी यहां पर मैंने गलत डिजिट लिए, 1,54,000 है उसकी ओरिजिनल ए न्यू सैलरी, तो यहां पर आएगा 1054। अब इसको 11 से आप डिवाइड कर दें, 11 से डिवाइड करेंगे 15,400, जीरो से जीरो कैंसिल कर ही दिए इसका, ये जाएगा वन टाइम 11, रिमेनिंग 4 टाइम 2020 इंटू 100, तो 1,40,000, तो इसकी कितनी आ जाएगी ओरिजिनल सैलरी 1,40,000, तो सो डेट ओरिजिनल सैलरी ऑफ दिस मैन, ओरिजिनल सैलरी ऑफ मैन इक्वल टू रुपीज 1,40,000, ये इसके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे क्वेश्चन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंक्रीज आ रहा है तो आपको प्लस का यूज करना है, डिक्रीज आ रहा है तो आपको माइनस के साइन का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑन संडे, सेकंड क्वेश्चन है 8.2 का ऑन संडे 845 पीपल went to the zoo, यानी कि ऑन संडे को 845 पीपल went to the zoo, ऑन मंडे only 169 people went. नेक्स्ट है यहाँ की what is the percent decrease in the people, in the people visiting the zoo, on Monday, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केयरफुली रीडिंग करो आप, क्वेश्चन में क्या आया आपको ऑन संडे 845 पीपल went to the zoo, जो में कितने लोग हैं 845, ऑन मंडे को ओनली 169 पीपल went, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, ये आपको फाइंड करना है। हाँ तो देखो ऑन संडे 845 पीपल, सॉल्यूशन में देखो इसमें संडे को कितने पीपल हैं, संडे को आए 845 और मंडे को कितने आए हैं, यहाँ मंडे को है 169
एंड क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, डिक्रीज परसेंट। तो ये पी प्रीवियस सॉरी पी जीरो एंड पी पी डॉट एंड पी जीरो मीन्स पी डॉट एंड पी पी मीन्स तो क्या आफ्टर वैल्यू, आफ्टर वैल्यू इज कॉल्ड पी एंड प्रीवियस वैल्यू इज कॉल्ड पी डॉट और पी नॉट और पी जीरो। तो यहां से आपको निकालनी है इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू पी माइनस पी जीरो, पी जीरो इंटू हंड्रेड। ये फॉर्मूला किसका आता है, इंक्रीज परसेंट का। और यदि इस फॉर्मूले में यदि प्लस में आपके आंसर आते हैं, किसमें आते हैं आंसर हमारे पॉजिटिव आंसर आए तो क्या रहता है इंक्रीज, और नेगेटिव आंसर आते हैं इसमें, इसमें क्या हो नेगेटिव आंसर आते हैं तो नेगेटिव साइन को रिमूव कर देंगे, वहां क्या लिख देंगे डिक्रीज परसेंट। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको लेना है पी मीन्स क्या आ गया आफ्टर वैल्यू, संडे से आफ्टर कौन सा आता है मंडे, सो डेट पी एंड पी जीरो यानी पी डॉट ए पी डॉट मीन्स क्या आ गया प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू यानी मंडे से पहले कौन सा आता है संडे। तो पी माइनस पी जीरो तो 169 माइनस 845 डिवाइड बाई पी जीरो 845 इंटू 100। अब नेक्स्ट देखो 845 में से 169 को लेस करो तो 6 13 में 6 को लेस किया 7 या 7 में 1 को लेस किया 6 तो माइनस 676 बाई 845 इंटू 100। अब नेक्स्ट इसको हम 13 की टेबल से कट कर सकते हैं, वो 13 से डिवाइड करो 636 को 13 से 5 टाइम 65 26 यानी 2 टाइम 52 टाइम माइनस 52 6 इसको भी 13 से डिवाइड करेंगे 845 को 6 टाइम 65। नेक्स्ट आंसर आपके पास क्या आ गया माइनस 52 65 इंटू 100। अब नेक्स्ट इसको हम 13 की टेबल से अगेन कट करेंगे 13 4 जा 52 5 टाइम तो माइनस 4 बाई 5 इंटू 100। अब नेक्स्ट 5 से इसको कट कर लो 20 20 को 4 से इंटू कर दो माइनस 80। तो देखो आंसर हमारे पास इसमें आ गए माइनस में आए माइनस 80 तो माइनस के साइन को रिमूव करेंगे नहीं है क्या लिखेंगे डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 80 यानी कि कितने परसेंट की यहाँ पे फुल में डिक्रीज हुआ है 80%। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे कि प्लस में आंसर आए तो इंक्रीज होगा माइनस में आंसर आए तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए शॉपकीपर बाइज एटी आर्टिकल्स, कितनी आर्टिकल्स है उसके पास 80 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स 4 रुपीज 2400 ये शॉपकीपर बाइज बाइज यानी खरीद रहा है 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल्स देम फॉर एंड सेल्स देम फॉर सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ ए रिकमेंड 16% ए प्रॉफिट ऑफ 10% है या 16% मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, ए प्रॉफिट ऑफ 16% ए प्रॉफिट ऑफ 16% थोड़ा मिस प्रिंटिंग था ये मिस प्रिंटिंग। फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द
सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ऑफ वन आर्टिकल, यानी जो वन आर्टिकल है उसके आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो इसका देखो सॉल्यूशन में, यानी कि 80 आर्टिकल्स बाय 4 रुपीज 2400। तो यहां से क्या लेंगे, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, यानी आपको यहां से सीपी कितने की निकालनी है, वन आर्टिकल की। बिकॉज क्वेश्चन में आपसे फाइंड क्या करवा रहा है, एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एसपी आपको फाइंड करनी है वन आर्टिकल की। सो डेट फर्स्ट में फाइंड करेंगे सीपी ऑफ वन आर्टिकल, यानी कि 80 आर्टिकल्स के लिए कितनी है रेट 2400। तो इसको 80 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय 80, 0083 20, तो रुपीज 30। ये तो क्या आ गया आपके पास सीपी ऑफ वन आर्टिकल। नेक्स्ट प्रॉफिट है आपके पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%। फाइन एसपी, एसपी यहां पे फाइंड कर, तो यहां पे लिखेंगे एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करें, सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो सीपी इज इक्वल टू 30, सीपी ऑफ वन आर्टिकल यहां यूज करना है आपको, क्योंकि एसपी ऑफ वन आर्टिकल फाइंड कर रहे हैं। तो 30 इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 100। अब 100 प्लस 16, 100 प्लस 3 into 116 divided by 100 0 0 is going to 1 3 6 into 3 3 6 is going to 3 3 into 3 348 3 348 divided by 10 is equal to 34.8 so that SPO 1 article SPO वन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 34.8। यहां से कितना आ जाएगा 34.80 रुपीज, यह आ जाएगा SPO वन आर्टिकल। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, घर पे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क में इनको नोट करते हुए चलना है।